भारतीय थल सेना द्वारा आज शुक्रवार को आर्मी डे मनाया गया है। आपको बता दें कि भारतीय सेना के लिए 15 जनवरी का दिन बेहद खास है। इस दिन को भारतीय थल सेना आर्मी डे के रूप में मनाती है। आज यानी शुक्रवार को भारतीय सेना का 73वां स्थापना दिवस है। इस अवसर पर सेना अध्यक्ष M.M. नरावणे ने कहा कि हमारे लिए पिछला साल काफी चुनौतीपूर्ण रहा। उन्होंने कहा कि गलवान में शहीद हुए जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। भारतीय सेना देश के सम्मान पर कोई आंच किसी भी सूरत में नहीं आने देगी। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश हमारे धैर्य की परीक्षा ना ले। यह आपको बता दें कि सेना अध्यक्ष M.M. नरावणे ने दिल्ली स्थित करियप्पा परेड ग्राउंड में परेड का निरीक्षण और सैनिकों को सम्मानित करने के बाद अपने संबोधन में चीन और पाकिस्तान की नापाक हरकतों पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि हमारे लिए पिछला साल काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। चीन के साथ उत्तरी सीमाओं पर चल रहे तनाव से आप परिचित हैं। उन्हें एक तरफा बदलाव की साजिशों का मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। सेना अध्यक्ष ने आगे कहा कि देश को यह यकीन दिलाना चाहूंगा कि गलवान में शहीद हुए जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। पाकिस्तान की नापाक साजिशों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि हम उनके नापाक इरादों को सफल नहीं होने देंगे। नियंत्रण रेखा पर भी दुश्मनों को करारा जवाब दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आतंकियों को संरक्षण देने की आदत से पाकिस्तान लाचार है। बॉर्डर पर 300 से 400 आतंकी घुसपैठ के इरादे से बैठे हैं, लेकिन उनके इरादों को सफल नहीं होने दिया जाएगा। मुकुंद नरावणे के मुताबिक सेना की मुस्तैदी से जम्मू कश्मीर में हिंसा की घटनाओं में तो गिरावट आई ही है, बल्कि आवाम को भी आतंकवाद से राहत मिली है। बताते चले कि भारतीय थल सेना शुक्रवार को अपना 73वां स्थापना दिवस मना रही है। 15 जनवरी 1949 को स्वतंत्र भारत की सैन्य ताकत के रूप में संगठित हुआ सेना पहली बार पूरी तरह ब्रिटिश थल सेना से मुक्त हुई थी। यह वे दिन था जब भारत ने अपने शौर्य को सैन्य रूप में पहचाना था। जिस शक्ति के तौर पर भारत विश्व में पहचाना जाता है, थल सेना उसी शक्ति की आत्मा का मूल है। कभी ईस्ट इंडिया कंपनी की सैन्य ताकत के तौर पर भारतीय आर्मी का गठन 1776 में हुआ था। देश में उस वक्त कंपनी शासन था और व्यापार के बहाने देश में घुसाई ब्रिटिश हुकूमत अपनी सुरक्षा के लिए फौज को जरूरी समझती थी। तब फौज में बड़े पैमाने पर भारतीयों की भी भर्ती हुई, लेकिन बड़े पदों पर अंग्रेज अफसरों को ही वरीयता मिलती थी। भारतीय सैनिक शांतिकाल में उन अफसरों की जी हुजूरी करने को मजबूर होते थे। इसके अलावा उनकी ताकत का प्रयोग अपने ही देशवासियों के विरुद्ध होता था। 1857 का पहला विद्रोह के कई कारणों में इस तरह का असंतोष भी एक कारण था। देश 1947 में आजाद हो गया, लेकिन सेना को संप्रभुता 15 जनवरी 1949 को दी गई। इस तरह से ये दिन देश के लिए सैन्य स्वतंत्रता का होता है। इसलिए भारतीय इतिहास में लोकतांत्रिक नजरिए से भी 15 जनवरी का दिन अपना खास महत्व रखता है। बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत से लेकर भारतीय सेना के सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरावणे ने वीर जवानों के नाम अपना संदेश दिया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन। World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.